बाकी पैसे पूरे हुए हमारे। इसको क्या कहते हैं? शकरकंद। बाबा जी ने कमाल किया। अभी हम आए हैं द ग्राटो। ग्राटो जो है वो रावलपिंडी की मशहूर जलेबी है। तो अभी हम आए हैं करतारपुरा फूड स्ट्रीट और चलते चलते हमारी नज़र यहाँ पर पड़ी है सूफी नान सेंटर पे। तो तारीफ तो हमने इसकी बहुत सुनी थी, आज देखते भी हैं और चखते भी हैं कि कैसा मज़ा है। ये मीठा होता है, तिल वाले कुल्चे होते हैं और रोटी नान होते हैं। आप ठीक हैं? जी जा। ये बहुत मशहूर माशाल्लाह सूफी नान कुलचा। अच्छा, बहुत अच्छा सामान होता है इनका। यहाँ पर आपके पास क्या क्या है? अभी आपको नहारी मिलेगी, पाए मिलेंगे, चने मिलेंगे, मटन चने, चिकन चने, कोफ्ते। अच्छा। चने। और ये ब्रेन मसाला अलग है क्या? जी, ये ब्रेन जो है ये चनों के साथ सर्व करते हैं और नहारी के साथ सर्व करते हैं। अच्छा, जबरदस्त। जी, ऐसी ब्रेन चनों के साथ हमने अभी तक नहीं देखा। चनों के साथ बहुत डिलीशियस होता है और बहुत टेस्टी होता है। स्पेशल आइटम क्या है आपका? जी, हमारा मटन चने होते हैं स्पेशल। अच्छा जी। और ये मुर्गी आपकी देसी मुर्गी है? जी नहीं, ये नॉर्मल मुर्गी होती है, फार्मिंग। जी। अच्छा। चनों के साथ सर्व की जाती है। ठीक है। देसी मुर्गा हमारे पास रमजान में होता है। अच्छा। स्पेशलिटी होती है हमारी। सही है। वो यखनी वाला मुर्गा होता है, बहुत लजीज होता है। ये हमारी मगज निहारी आ गई है और ये साथ में आ गए हैं चिकन चने। ठीक हो गया। ये निहारी है, इसमें निहारी के साथ जो है ना ये मगज डाला हुआ है और साथ में ये स्पेशल तिल वाली नान है और इसके साथ में ये नींबू और इसमें ये थोड़ा सा नींबू डाल लेंगे। और ये तो हो गई और ये भी थोड़ी सी मिर्ची। अच्छा, देखते हैं अब इसका जायका। इसमें अगर देख लें, इसमें इन्होंने छोटे ये बकरे का मगज़ है ये है और साथ में जो है ना ये निहारी है। तो देखते हैं इसका जायका। वागे, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसके साथ जो इन्होंने ये नान दी है, इस पर जो है ना तिल लगे हुए हैं, इसके साथ इसका जो है ना जायका कुछ और भी है ना, मतलब ये कि ये अच्छा हो जाता है। ये जो आप देख लें, इस पर ये तिल लगे हुए हैं तो इसके साथ इसका जायका और भी बेहतर हो जाता है। ये अभी हम इसके एक और ये यहाँ पर इन्होंने ये इसमें काफ़ी है ना ये अच्छा पीस डाला हुआ है। ज़बरदस्त, और ये बहुत ही ज़बरदस्त जायका है। और अभी ये चखते हैं इसके चिकन चने। इसमें काफ़ी जो है ना ये बड़ा पीस इन्होंने डाला हुआ है। ये चिकन है, साथ में चने हैं और ये हरी मिर्च। ये इसका टोटल पीस है। स्पाइसी सा बाइट बन गया है, इसका देखते हैं। अच्छा, इसमें चने के ऊपर जो इन्होंने तेल या घी या जो तड़का दिया हुआ है उसकी वजह से इसका जायका और भी बेहतर हो जाता है, जिसका मतलब फिर अपना अपना ही मज़ा है। ठीक है, तो मसूद साहब आप बताएं कि आपको कैसा लगा?
वैसे ही खाए, बहुत अच्छा टेस्ट है। और इसकी जो ना जो निहारी का जो है मुझे इसमें मगज मेरा ऐसे भी फेवरेट है, और इसमें जो है ना इन्होंने जो मगज निहारी जब दे दी तो इसका जो है ना फिर अपना ही ज़रा चस्का है। इसमें मगज के साथ ये निहारी की बोटी बाद में उसके वो ग्रेवी काफ़ी मज़ा आता है। इसके साथ इन्होंने ये एक और भी रोटी दी है, तो स्पेशल नान किस्म का है ये, अगर आप देख लें इसमें मेरे ख्याल ये क्या है कलवंजी, और साथ में जो है ना ये सफ़ेद तिल जो है ना इन्होंने लगाए हैं। तो ये अगर आप देख लें इसका साथ अभी ज़रा टेस्ट करते हैं इसका ज़ायका। तो इसके साथ अभी देखें इसका ज़ायका क्या है। इस नान का ज़ायका वाकई फिर उससे मुख्तलिफ है। इसके साथ निहारी ज़रा चेक कर लेते हैं, तो काफ़ी मज़ा इंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। अभी हम सूफी नान शॉप से निकले हैं और करतारपुर फूड स्ट्रीट में ही हैं। यहाँ पर हमें एक और चीज़ मिल गई और वो है सिंगाड़ा। इसको ये इसको इसी तरह खाते हैं क्या? अच्छा ये उबाल के खाते हैं, ज़बरदस्त। जैसे आपको पता है कि तकरीबन सुबह से ही हम खा ही रहे हैं, इस वजह से हमने कहा है कि मतलब ये कि यहाँ पर आ जाएं पप्पू जी लेमन सोडा एंड रिफ्रेशमेंट सेंटर। ये पिंडी का एक मशहूर लेमन सोडा शॉप है, मरीव रोड पर है, यहाँ पर बेनज़ीर हॉस्पिटल चौक के पास पहले जैसे चौक आता है उसमें जो है ना साइड लेफ्ट को आप जब टर्न लेंगे तो उसमें ये है और काफ़ी मशहूर है। अब कैसा इसका ज़ायका है ये भी चेक करते हैं, चले हमारे साथ। बस थोड़ा तैयार। अच्छा अभी अब ये बैठे थैंक यू सोडा। जबरदस्त वाकई, लीमू हमने थोड़ा सा ज़्यादा डलवाया था तो उसकी वजह से काफ़ी मज़ा आया।